सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको करा रहे हैं क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड रूट्स नंबर। सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 करा रहे हैं। पहले हम आपको सेकंड चैप्टर के बारे में कुछ कराएंगे। तो चैप्टर का नाम आपका है होल्स नंबर्स। क्या होते हैं होल्स नंबर? होते हैं, हिंदी में बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। वो होती हैं जो जीरो से शुरू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट अनंत, ये होते हैं होल्स नंबर। हमेशा जीरो से शुरू होते हैं। और जो इसके बाद आता है नेचुरल नंबर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हिंदी में प्राकृत संख्याएं। वो होती हैं, वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको होल्स नंबर्स के बारे में, नेचुरल के बारे में बता रहे हैं। तो कृपया ध्यान से देखें। तो इसमें 2.1 का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपके संपर्क पे है। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 1999। ये कह रहा है कि लिखो 3 अंक प्राकृतिक संख्याओं के, अगले 3 अंक लिखो, मतलब कि बाद के, इससे बाद क्या आएगा। तो हमेशा जब हमें कुछ बाद की बात करनी होती है, मतलब कि ये वो बाद है जो आने वाला है अब आगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अगली 3, हम कितने नंबर्स लिखने हैं, 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो हमें क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 10,999। तो हम इसमें इससे अगले 3 नंबर्स बताने हैं, 3 नेचुरल नंबर्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, +1, तो हमारा जो इससे अगला नंबर आएगा वो आएगा, हम इसमें जोड़ेंगे, क्या आएगा ऊपर 0, या हम इसमें जोड़ देंगे 0, तो इसमें जोड़ देंगे 0, 1, 1 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये लेंगे हम, इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 11,001। उसके बाद +1 तो हमारा रहेगा 11,002। ऐसे अगर जो हमसे पूछ जाए 5, 6, 7 आवाज दे, 3 बोले तो 3 में हमारा समाप्त हुआ। अब आता हमारे लिए 3 बोले, अगर जो हमें बोल ले जाए 5, 6, 7, 8 तो हम ऐसे 1, 1 जोड़ के निकाल सकते हैं। तो देखिए, इससे अगला जो फर्स्ट नंबर है वो आ गया 11,000, उसके बाद 11,001 आ गया, उससे अगला नंबर आ गया 11,002 आ गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इसी अभ्यास का, तो राइट द 3 होल्स नंबर अक्यूरिंग जस्ट बिफोर 10,001। तो हमें इसमें क्या करना है, बिफोर हमें 10,001 से पहले के नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम जो हमने पहले किया उसको उल्टा, हमारे पास क्या हुआ 10,001, इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000। उसके बाद हम 10,000 को लेंगे, उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद हम 9,999 को लेंगे, -1 हमारे पास क्या रहेगा। तो वही 3 नंबर हमारे निकल चुके हैं, ये है हमारे बिफोर 10,000 से पहले। विच इज द स्मॉलेस्ट होल्स नंबर, वो कह रहा है कि जो आपका स्मॉलेस्ट होल्स नंबर है, सबसे छोटा आपका पूर्ण संख्या है वो बतानी है। हमने आपको अभी बताया था होल्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो जिसका होल्स नंबर होगा वो होगा 0। क्या होगा इसका होल्स नंबर, जीरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो इसमें हमें ये बताना है कि 32 एंड 53 के बीच में कितनी होल्स नंबर है, कितने होल्स नंबर है बीच में। तो बच्चों इसमें आपका क्या होगा कि आप वैसे तो इसमें आप एक काम करो, आप कॉपी में भी अपना आप करके देखियो, ये 32 इसको आपको नहीं गिनना है, उसके बाद 53 इसको भी आपको काउंट नहीं करना है, जो इसके बीच के होंगे, जो इसके बीच के होंगे, जैसे कि 33 34 35, आपको ऐसे ऐसे इनको काउंट करना है, और कहां तक करना है, 52 तक काउंट करना है। तो जब आप 52 तक काउंट करोगे तो आपके जो नंबर बैठेंगे ये बैठेंगे आपके 20 वो से नंबर कितने होंगे 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 किसमें दिया हुआ है, राइट द सक्सेसर्स ऑफ, हमें इसमें बताना है सक्सेसर्स को, जो सक्सेसर्स है इसे हम हिंदी में बोलते हैं परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता है आगे। तो इसे हमें परवर्ती हमें आगे चलाने के लिए हमें सक्सेसर्स क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 1+ करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है बेटे, इसमें ए बी सी डी पार्ट दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ 1+ करना है और मैं इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी आप शुरू करोगे, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि मैंने सारे इसके पार्ट उतार दिए हैं। यहां से देखिए हमें दिया हुआ है 2 4 4 2 4 4 0 7 0 1, तो हमें इसमें क्या करना है 1+1 करना है, और प्लस वन करके हम इसे जोड़ के दिखा देंगे, ऐड करके दिखा देंगे, तो क्या आएगा 2, पीछे से कर दो 2+1 हो गया, तो क्या आएगा आपका 2 0 7 4 4 आपका 2, क्या है आपका 2 1 2 हो जाएगा 0 7, यहाँ का आपका 0, फिर आपका 4 4 2, ये आपका आंसर है। सही, हमने क्या किया इसमें 1+ किया। तो बेटे ये आपका बी सी डी पार्ट आप स्वयं करोगे, सिर्फ 1+ करना है, ठीक है, आपको भी थोड़ा आना चाहिए, इसलिए आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो बेटे हम 6 क्वेश्चन करा रहे हैं, राइट द प्रोड्यूसर्स ऑफ, तो इसमें प्रोड्यूसर्स का इसका मतलब जो इसका जो हिंदी में वर्ड होता है प्रोड्यूसर का होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती बेटा पूर्ववर्ती होती है जो पहले, जो इससे पहले रहा होगा, प्रोड्यूसर्स मतलब जो पहले। तो हम क्या करेंगे बेटे, हम पहले आपको इसका आपको बी कराते हैं, उसके बाद आप सी डी आप स्वयं ए बी सी डी आप खुद पढ़ लो, बी कराते हैं, तो बी में क्या दिया आपको 10,000 में हमें -1 करना, अब हमें इसमें सिर्फ -1 करना है। अभी हम आपको यहाँ पे -1 करके समझाएंगे कि -1 कैसे किया है हमने, हमने यहाँ से -1 किया, देखो 0 में से 1 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ 10 ले लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 0, ठीक है। तो हमारे जब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9, तो आपको यह आएगा 1-1 करके, तो क्या आपका 9 9 9 9, इसका आंसर होगा। इसी तरह आप इसका ए सी डी सॉल्व करोगे। तो बच्चों इसका 7 क्वेश्चन करा रहे हैं हम, तो 7 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे ही उतारा, थोड़ा बड़ा है तो इस करके हम आपको थोड़ा पढ़ के बता रहे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच व्हिच नंबर्स इन ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर्स नंबर्स ऑफ द नंबर्स लाइन Also write them which the properties sign greater than in greater than I mean बड़ा या छोटा या equal between them। तो बच्चों हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें साइन बताना है कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है greater than in greater than, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले आपको ए पार्ट, हम आपको इसमें से कोई सा पार्ट सी पार्ट कर देते हैं, हमें सी पार्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो हम इसमें आपको सी पार्ट करके दिखा रहे हैं बच्चों। तो सी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 और क्या दिया हुआ है हमें 5 6 5 6
7, 8, 9। तो बच्चों इसे करने से पहले हमें क्या करना होता है, पहले हम दोनों साइड का डिजिट, दोनों साइड के नंबर्स की काउंटिंग करेंगे, काउंट करेंगे। तो दोनों साइड के नंबर्स काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके दोनों साइड काउंट जो नंबर्स हैं दोनों साइड वो आपके बराबर है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है। तो हम अब क्या करेंगे, अभी हम इसका बॉक्स के रूप में तार देते हैं इसे, जिसमें हमें साइन लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम शुरू का वर्ड देखेंगे, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो आपको पता लग गया होगा कि कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है 5, इसमें 9 बड़ा है। तो बच्चों इसका मुंह इधर खुलेगा, ठीक है बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टीमेट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, हमें सत्य असत्य बताना है, हिंदी में ट्रू फॉल्स को सत्य असत्य बोलते हैं। तो इसमें आपको एक बार दिया गया है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो हमने बताया कि जो 0 है वो नेचुरल स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, क्योंकि वो जो है वो एक नेचुरल मतलब प्राकृति होता है, रूल्स है, जो वो रूल्स नेचुरल नंबर है, जैसे कि आपको सीसा में देता है 0 इज द स्मॉलेस्ट रूल्स नंबर, तो ये रूल्स नंबर, हाँ ये स्मॉलेस्ट नंबर है। इसी तरह से देखा 400 इज द प्रोडक्टर्स ऑफ 39, मतलब कि 39 जो है ये इसका पूर्ववर्ती है 400 का, जो कि नहीं है, ठीक है। तो ये सत्य असत्य है, ट्रू फॉल्स है बच्चों, ये आप वीडियो को रोक के आराम से संतुष्टि पूर्वक कर लेना। तो बच्चों आज ये अभ्यास आपकी यही खत्म होती है, धन्यवाद। तो बच्चों इससे अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में डालेंगे 2.2, तो अभी आज के लिए यही है।